हरे कृष्णा। आइए जानिए कि मनुष्य जीवन कितना बहुमूल्य है। वेद हमें बताती है कि उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान निबोधिता, अर्थात मनुष्य जीवन, हे मनुष्य जागो उठो, आपको यह मौका दिया जाता है एक मनुष्य जीवन, इसका सदुपयोग करें, अपने आप को बचाएं और मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। किस प्रकार से, आप देखिए कि मनुष्य जीवन कितना बहुमूल्य है। कई जन्मों लगते हैं हमें मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए। अब देखते हैं पद्म पुराण क्या कहती है। पद्म पुराण के अनुसार जलजा नवलक्षाणि स्थावर लक्ष विंशति त्रिमय रुद्र सांख्यक पक्षिनाम दशलक्षणम त्रिंशल लक्षाणि पाशव चतुर लक्षाणि मानव। अर्थात पद्म पुराण के अनुसार 84 लाख योनियां हैं, जो यानी 84 लाख अलग अलग प्रकार के शरीर हैं। अब देखिए उसमें 9 लाख ऐसे शरीर हैं जो जल में रहते हैं, जैसे मछली या कई प्रकार के जो समुद्री प्राणी हैं, नदी में रहते हैं वो प्राणी, ऐसे 9 लाख प्रकार के हैं। स्थावर लक्ष विंशति 20 लाख प्रकार के औषधि है, पेड़ है। त्रिमय रुद्र सांख्यक है, मतलब 11 लाख प्रकार के कृमि है, मतलब इंसेक्ट्स जो उसको बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के चलने वाले इंसेक्ट्स। पक्षी नाम 10 लक्षणम 10 लाख प्रकार के उड़ने वाले जीव हैं, उड़ने वाले शरीर हैं। और 30 लाख प्रकार के पशु हैं, जैसे शेर कुत्ता बिल्ली आदि। और चतुर लक्षाणि मानव, मानव कितने प्रकार के हैं, मानव जैसे शरीर कितने प्रकार के, 4 लाख प्रकार के मानव शरीर। तो संख्या के हिसाब से देखेंगे तो 84 लाख में से खाली 4 लाख प्रकार के ही मनुष्य शरीर है। तो ये मनुष्य शरीर अनुपात के हिसाब से खाली 4.7 यानी लगभग लगभग 4.5% ही है जो उपलब्ध है, और उसमें भी भारत भूमि में जन्म लिए है वो मनुष्य बहुत भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म जार जन्म सार्थक करी करो परोपकार। भारत भूमि में जो जन्म लिए है मनुष्य, उनका विशेष कर्तव्य है कि वो समझे अपने आप को, यानी कि साक्षात्कार करे। क्या साक्षात्कार? भागवत साक्षात्कार करे, और ये साक्षात्कार करके और सब लोगों को, बाकी जितने भी मनुष्य हैं उनको बताए। तो परम कल्याणकारी कार्य है भारत भूमि में जन्म लेना। आप देखिए आप कितना महत्वपूर्ण है, आप जो शरीर मनुष्य जीवन वाला शरीर है कितना महत्वपूर्ण है, आप पूरे विश्व को बदल सकते हैं। देखिए ये मनुष्य कई योनियों पार करके हमको मिला है, तो इसलिए हमको इसको बहुत उत्साहपूर्वक इस मनुष्य शरीर का उपयोग करना चाहिए अपने आप को समझने के लिए। और हम जिससे आए हैं, जो परम स्रोत, परम भगवान, परम पुरुष श्री कृष्ण जो स्रोत है जिससे हम आए हैं सब, तो हमारा संबंध है परम भगवान, हम भगवान के अंश हैं। गीता से हमें पता चलता है, श्रीमद् भगवत गीता से हमें पता चलता है कि ममैव अंशो जीवलोक जीवभूत सनातन, हम लोग सब भगवान के अंश हैं, भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं। भगवान भी सनातन है, हम भी सनातन है, हम भगवान के सनातन अंश हैं। इसलिए हम में सारे गुण हैं जो भगवान में है। तो हमें अपने आप को समझना है भगवान के आदेश के अनुसार, और भगवान के आदेश के अनुसार को समझना उसी को बोलते हैं धर्म। तो आगे और बात करेंगे कि धर्म कैसे समझे। पहले ये है कि हम अपने आप को समझे हम कौन है। तो हम हैं मनुष्य, एक दिव्य अंश है भगवान के, और इस शरीर का उपयोग करना है हमें अपने आप को समझने के लिए और भगवान को समझने के लिए, और अपने स्थिति को शुद्ध करने के लिए। हरे कृष्णा।